गाइस आज की इस वीडियो में हम इस ट्रेंडिंग पेज कर्ल इफेक्ट रील्स वीडियो को एडिट करने वाले हैं वीएन एप्लीकेशन में। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि ऐसी वीडियो जब इंस्टाग्राम पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस ट्रेंडिंग रील्स वीडियो को बना सकते हो काफी आसानी से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इस ट्रेंडिंग रील्स वीडियो को एडिट करने के लिए हम जो भी मटेरियल यूज करेंगे उन सभी मटेरियल्स को आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस ट्रेंडिंग रील्स वीडियो के सभी मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हो। मटेरियल्स डाउनलोड कर लेने के बाद आपको वीएन एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। और सबसे पहले आपको अपने एक फोटो को सिलेक्ट करना है, जिस भी फोटो को आप इसमें ऐड करना चाहते हो। तो चलिए हम यहाँ पे एक फोटो को सिलेक्ट करते हैं। फोटो सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सबसे पहले अपने वीडियोज का रेशियो चेंज करना है। तो ऊपर की साइड यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक करना है और आपको अपने वीडियोज का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली अपने फोटो पे क्लिक करना है और इस फोटो को आपको यहाँ पे सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस वीएन एप्लीकेशन के वाटरमार्क को सिलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना है और इस इमेज का ड्यूरेशन आपको इंक्रीज कर लेना है। तो मैं इसका ड्यूरेशन यहाँ पे 12 सेकंड कर देता हूँ। गाइस इमेज के ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेने के बाद आपको स्टार्टिंग में कर्सल को करना है और आपको इमेज को सिलेक्ट ही रखना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ब्लर का। सिंपली आपको इस ब्लर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बेसिक ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है और इसे आपको एडजस्ट कर लेना है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे 40% रहने दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है। अब यहाँ पे सिंपली आपको ओवरले में मटेरियल्स को ऐड करना है। तो सिंपली आपको इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको इस ग्रीन स्क्रीन मटेरियल्स को ऐड करना है जो पेज कर्नल इफेक्ट है इसे, और यहाँ पे आपको इसे सिलेक्ट ही रखना है और नीचे आपको स्क्रॉल करना है। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक फिट का दूसरा फील का। तो सिंपली आपको फिट पे क्लिक कर देना है और ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ ऑप्शन को स्क्रॉल करना है और क्रोमा को सिलेक्ट करना है और सिंपली आपको यहाँ पे ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है और इंटेंसिटी और स्पील को आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर आपको ओवरले में लाइटिंग इफेक्ट को ऐड कर लेना है और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे फिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन फिल्टर को सिलेक्ट कर लेना है और टिक पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो इस इफेक्ट के साइड में यहाँ पे जो बॉर्डर है इसे अगर आप यहाँ पे हल्का शो कराना चाहते हो तो सिंपली आपको इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और दो फिंगर से टैप करके आपको इसे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जूम करके एडजस्ट कर लेना है जितना भी आप इसे शो करना चाहते हो साइड में। उसके बाद अब यहाँ पे आपको अपने सॉन्ग के लिरिक को ऐड करना है। जिस भी सॉन्ग पे आप ऐसी वीडियोज बनाना चाहते हो उस सॉन्ग के आपको लिरिक को यूट्यूब से ले लेना है या फिर आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। तो सिंपली प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है और आपको सॉन्ग के लिरिक को सिलेक्ट कर लेना है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ सॉन्ग के लिरिक मिल जाएंगे तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे लिरिक को ऐड कर लेते हैं। सॉन्ग के लिरिक को ऐड कर लेने के बाद आपको इसे सिलेक्ट ही रखना है और सिंपली आपको इसे नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्क्रीन फिल्टर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टिक पे क्लिक करना है और आपको वीडियो को प्ले करना है और जहाँ पे पेज कॉर्नर इफेक्ट ने यहाँ पे फुल स्क्रीन हो रहा है वहां पे आपको कर्सर को रुकना है और सिंपली आपको अपने सॉन्ग लिरिक को सिलेक्ट करना है और इसे आपको यहाँ पे जूम इन जूम आउट करके आपको इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। गाइस सॉन्ग के लिरिक को एडजस्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको अपने वीडियोज का क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से वीडियोज को एक्सपोर्ट कर लेने के बाद आपको बैक आना है और वीएन एप्लीकेशन में एक न्यू प्रोजेक्ट फिर से ओपन करना है और आपको अपने गैलरी से फोटो सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आपने पहले सिलेक्ट किया था। तो चलिए हम उस फोटो को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर आपको इसका यहाँ पे जो रेशियो है वे आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। जो आपने पहले रेशियो रखा था वे रेशियो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिंपली आपको इस फोटो का ड्यूरेशन अपने वीडियोज के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कर देना है। उसके बाद आपको इस वीएन एप्लीकेशन को वाटरमार्क को डिलीट कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आपको ओवरले में उस वीडियोज को ऐड करना है जिसे आपने इससे पहले एक्सपोर्ट किया है वीएन एप्लीकेशन से। तो सिंपली आपको प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है और आपको इस वीडियोज को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप इस वीडियो को सिलेक्ट करोगे यह वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इस वीडियो को आपको सिलेक्ट ही रखना है और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको फिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका यह वीडियो फुल स्क्रीन हो जाएगा। सिंपली आपको इस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करना है और जहाँ पे पेज कर्नल इफेक्ट यहाँ पे फुल स्क्रीन हो रहा है सिंपली आपको वहाँ पे कर्सर को करना है और आपको अपने ओवरले वीडियो को सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको क्रोमा को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कलर को सिलेक्ट कर लेना है और इंटेंसिटी को आपको एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से आपको स्पीड को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने इमेज को सिलेक्ट करना है जो यहाँ पे आपने बैकग्राउंड में ऐड किया है इसे, और इसे आपको यहाँ पे जूम आउट करके आपको इसे एडजस्ट कर लेना है इस पेज कर्नल इफेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में कर्सर को करना है और इस वीडियो को प्ले करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना स्मूथ हमारा यहाँ पे वीडियो बन गया है। तो इस प्रकार से आप वीएन एप्लीकेशन में पेज कर्नल इफेक्ट को यूज करके यहाँ पे वीडियोज को बना सकते हो। अब यहाँ से वीडियोज को एक्सपोर्ट कर लेना है और इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम रील्स अकाउंट में शेयर कर देना है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी,
अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।